आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपनी बल्लेबाजी से सनसनी मचा देने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड को नवंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में हेड ने भारतीय फैंस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को भारत पर जीत दिलाई थी। ट्रेविस हेड ने ग्लेन मैक्सवेल और भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पछाड़ते हुए ये सम्मान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जैक कैलिस ने विराट कोहली को लेकर बड़ी बात कही है। जैक कैलिस ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट कोहली का रोल काफी अहम होगा। कैलिस ने आगे बताया कि विराट के लिए ये सीरीज काफी अहम होगी क्योंकि विराट इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर भारत के खिलाफ सीरीज के बाद संन्यास लेने का मन बना रहे हैं। डीन एल्गर ने घरेलू क्रिकेट की 6 पारियों में 80.40 के औसत से 402 रन बनाए हैं। इसके बावजूद टीम में उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 दिसंबर को केबे रहा में खेला जाएगा। टीम इंडिया सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में पहला टी20 मुकाबला खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका ने यहां 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं। टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला जीतना काफी जरूरी होगा। पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड से काफी नाराज हैं। पहला टी20 रद्द होने के बाद गावस्कर ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की जमकर आलोचना की। गावस्कर पुख्ता इंतजाम न होने के चलते बोर्ड पर जमकर भड़के। गावस्कर के मुताबिक सभी क्रिकेट बोर्ड को काफी पैसा मिलता है। हर बोर्ड के पास इतना पैसा तो जरूर होता है कि वे पूरा मैदान ढकने के लिए कवर्स खरीद सके। टीम इंडिया के मेंटल स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच अंकित कलियार ने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। अंकित कलियार का मानना है कि रोहित शर्मा काफी फिट हैं और हमेशा यो-यो टेस्ट पास करते हैं। कलियार ने रोहित की फिटनेस की तुलना विराट कोहली से की और कहा कि दोनों की फिटनेस लगभग एक जैसी ही है। अंकित कलियार ने शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। अंकित कलियार के मुताबिक शुभमन गिल की फिटनेस बेहद शानदार है और वो विराट कोहली को अपना रोल मॉडल मानते हैं। अंकित ने आगे बताया कि गिल हमेशा फिटनेस के मामले में विराट को फॉलो करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गिल दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज बनेंगे। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत काफी लंबे समय से क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो पंत अब फिट हो चुके हैं और वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऋषभ पंत इम्पैक्ट प्लेयर का रोल निभा सकते हैं। इस वक्त पंत NCA में अपनी रिकवरी कर रहे हैं और क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए दम भर रहे हैं। भारत में डे नाइट टेस्ट या पिंक बॉल टेस्ट मैचों की मेजबानी नहीं करना चाहता BCCI। रिपोर्ट्स की माने तो BCCI मेंस और वीमेंस क्रिकेट में डे नाइट टेस्ट मैच कराने के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि ऐसे टेस्ट केवल 2 या 3 दिनों में ही समाप्त हो जाते हैं। पाकिस्तान के असद शफीक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। असद लंबे वक्त से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर कहा कि क्रिकेट के लिए उनके अंदर वो एनर्जी नहीं रही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए उनकी फिटनेस गवाही नहीं दे रही है। 2010 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले असद शफीक ने अपने करियर में 77 टेस्ट, 60 वनडे और 10 T20 मुकाबले खेले हैं।